दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको रेलवे ग्रुप डी की एक एग्जैक्ट या फिर आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। बिल्कुल सारे कारण मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्यों जो है इतनी कट ऑफ रहेगी और जो है किन किन का सिलेक्शन होगा, जनरल में कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होगा, ओबीसी एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी सभी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा, बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कारण मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कट ऑफ कम रहने का। सबसे पहले दोस्तों रेलवे ने ऑफिशियली कहा था कि जो है वो कट ऑफ जो है वो आपकी जो है वेटिंग लिस्ट भी बनाएंगे, यानी वेटिंग लिस्ट बनाएंगे। और दोस्तों वेटिंग लिस्ट कितनी बनेगी, यानी 50% के लगभग जो है वेटिंग लिस्ट बनेगी। मान लीजिए पोस्ट आपकी जो है 64,000 है, 60,000 है, तो 30,000 जो है आपकी वेटिंग लिस्ट भी बनेगी। तो उन्होंने सबसे पहले ही कहा था कि वो फिजिकल के लिए भी जो है काफ़ी संख्या में कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, उसके बाद वेटिंग लिस्ट लगेगी। और उसके बाद दोस्तों जो आपकी आंसर किया है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है रॉन्ग क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन आपके जो है बहुत ही गलत हैं, कई क्वेश्चन आपके गलत हैं और कई क्वेश्चन पर आप जो है ऑब्जेक्शन लगाने योग्य क्वेश्चन भी हैं जिन पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और अपने मार्क्स भी इंक्रीज करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए दोस्तों रॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद फिजिकल। फिजिकल में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और फिजिकल काफ़ी टफ है, वहाँ से भी जो है मान लीजिए एक कैंडिडेट्स के 70 मार्क्स हैं, तो फिजिकल में अगर वो आउट हो जाता है दोस्तों उसकी जगह पर कम कैंडिडेट्स, कम नंबर वाले कैंडिडेट्स को भी लिया जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि फिजिकल जो है आपका चाहे कम मार्क्स हो उसके चाहे ज़्यादा मार्क्स हो, अगर फिजिकल में आउट होगा तो दोस्तों वो आपकी पूरी कट ऑफ से बाहर हो जाएगा। यानी फिजिकल में भी आपके जो है काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, तो कट ऑफ दोस्तों बहुत ही कम रहने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ जो है कितनी रहने वाली है अगर दोस्तों वेटिंग लिस्ट आती है और जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग हो जाते हैं और नॉर्मलाइजेशन होती है। सबसे बड़ी बात दोस्तों जैसे कि लोको पायलट में जो है आपकी नॉर्मलाइजेशन हुई थी, उस समय दोस्तों एक कैंडिडेट्स के मार्क्स थे 42 मार्क्स थे और उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद दोस्तों जो मार्क्स बने थे वो 58 बने थे, यानी कम से कम 10 से 15 मार्क्स आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद बनेंगे। तो दोस्तों जो कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा ये नॉर्मलाइजेशन से पहले के बताऊंगा, यानी जितने आपके जो है अब आंसर की में आपके मार्क्स आ रहे हैं उसके हिसाब से जो है कट ऑफ बताएंगे। नॉर्मलाइजेशन के बाद आप जो है 10 से 15 मार्क्स ज्यादा मान लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों वो रहेगी आपकी, ज्यादा नहीं कह रहा दोस्तों मैं, 45 से प्लस माइनस 2 मार्क्स हो सकते हैं दोस्तों, 47 जा सकती है, 43, इससे ज्यादा आपकी बिल्कुल भी नहीं जाएगी दोस्तों। फिजिकल के लिए कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिकल के लिए आपकी जो है जनरल कैंडिडेट्स की 45 के मार्क्स के लगभग ही जो है कट ऑफ जाएगी। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों ओबीसी की, ओबीसी कैंडिडेट्स, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों जो जोन है आपके सभी जोन्स की जो है कट ऑफ अलग अलग जाएगी, ज़्यादा जो है आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स का डिफरेंस आपको जो है देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों ओबीसी की, ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी दोस्तों वो रहेगी 43 प्लस माइनस दोस्तों 2 मार्क्स आप जो है कर सकते हैं, प्लस माइनस 2 मार्क्स आप जो है कर लीजिए, 43 आपकी जो है ओबीसी की रहेगी। उसके बाद एससी एसटी की दोस्तों 40 से कम दोस्तों आपकी जो है एससी एसटी की कट ऑफ रहेगी, 40 से कम रहे दोस्तों 100% जो है एससी एसटी की रहेगी। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के अगर दोस्तों आपके 25 से 30 मार्क्स के बीच हैं एससी ओबी जो सॉरी दोस्तों जो एक्स सर्विसमैन है उनके, तो आपका जो है डेफिनेटली यहाँ पर जो है सिलेक्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपकी जो है पीडब्ल्यूडी की, पीडब्ल्यूडी के दोस्तों यहाँ पर 25 से 30 मार्क्स जो है यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है पीडब्ल्यूडी की, तो बहुत ही दोस्तों कम कट ऑफ जो है आपकी रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है 3 कारण इसके मैंने बताए थे, नॉर्मलाइजेशन, उसके बाद दोस्तों आपकी जो है रॉन्ग आंसर हो गए, उसके बाद जो है वेटिंग लिस्ट, ये सभी कारण दोस्तों कट ऑफ में डायरेक्टली असर जो है डालेंगे और आपकी जो है कट ऑफ बहुत ही कम रहेगी। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना स्कोर जरूर से बताइएगा और कट ऑफ जो है बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या रह सकती है, इससे ज़्यादा कट ऑफ दोस्तों बिल्कुल भी नहीं जाएगी। बिल्कुल जो है आप चाहे तो आप जो है देख लीजिएगा जब आपकी कट ऑफ आए, तो इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगी दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में अपना स्कोर जरूर से बताइएगा, साथ ही अपना जोन बताइएगा, जोन वाइज कट ऑफ लगेगी, लेकिन दोस्तों जो कट ऑफ है वो आपकी सभी जोन्स की लगभग सेम रहेगी, यानी बिल्कुल जो है 5 से 4 मार्क्स का जो है डिफरेंस रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन सेम जो है कट ऑफ आपकी सभी जोन्स की रहने वाली है। तो कमेंट में अपना स्कोर जरूर से बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबा लीजिए रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल के अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।